कल जानवरों के मुतालिक बात हुई थी कि जानवरों को के साथ उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, कि उनको कुछ डाला जाए छत के ऊपर या पानी का एक बोल रखा जाए और एक कोई खाने का चावल डाल दें, दाल डाल दें, रोटी डाल दें, कुछ भी डाल दें। ये चीज देखें, हमारे जो पैगंबर हैं वो पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, जानवरों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन है। दो वाकयात हैं इस टाइम मेरे जहन में है, वो मैं सुनाता हूँ। हजरत अबू बकर और अल्लाह के नबी जा रहे थे तो लोग बड़े इकट्ठे थे, तो अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर देखो यहाँ पे रश क्यों भरा हुआ है। तो हजरत अबू बकर ने आगे होकर देखा तो एक ऊंट कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, लोग कोई डंडा लेकर उसको डंडा मार रहे हैं, कोई उसको रस्सी फेंक रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पागल हो गया, वो कभी मुंह खोल के किसी की तरफ भागता है कि कभी किसी की तरफ भागता है। तो हजरत अबू बकर ने आके अल्लाह के नबी को कहा या रसूलल्लाह ऊंट पागल हो गया है, वो काट रहा है सबको। अल्लाह के नबी ने कहा चलो मैं भी चल के देखता हूँ। हजरत अबू बकर को बड़ा इश्क था अल्लाह के नबी से, कहा या रसूलल्लाह आपको काट लेगा, नुकसान देगा। कहा अबू बकर मुझे जाने दो, मुझे देखने दो क्या माजरा है। तो अल्लाह के नबी जब गए उस बचपे को हटाते हुए, भाई पीछे हो, जब आगे पहुंचे, जब ऊंट की नजर अल्लाह के नबी पे पड़ी, ऊंट ने दौड़ लगाई अल्लाह के नबी की तरफ। हजरत अबू बकर ने आगे होने की कोशिश की तो अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर पीछे हो जाओ। कहा या रसूलल्लाह ये आपकी तरफ आ रहा है। कहा आने दो इसे। वो आया, आके अल्लाह के नबी के कदमों में बैठ गया और अपना मुंह अल्लाह के नबी के कान के पास किया और गुड़ कुछ कहने लगा। अल्लाह के नबी ने उसकी बात सुनी, कहा अच्छा 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 करते हैं। जब उसे पूरी बात सुना ली तो कहा इसका मालिक किधर है। आया मालिक, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप को बात, मैं इसका मालिक हूँ। कहा शर्म नहीं आती तुम्हें, ये तुम्हारी शिकायत लगा रहा है। वो कहता है कि सारा दिन मुझसे या रसूलल्लाह ये काम लेता है, रेगिस्तान के अंदर मैं काम करता हूँ, मुझे पानी नहीं पिलाता, ये मुझे पानी नहीं पिलाता। कल का दर्श यही था कि गर्मी आ रही है, आगे हम छत पे छोटे से कोल रखते हैं परिंदों के लिए, छोटा सा पानी उसमें रोजाना डाल दे, चिड़िया पिएंगी, कुत्ते पिएंगे, आपको स्वाद होगा। या रसूलल्लाह ये पानी नहीं मुझे पिलाता, पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। उसने कहा या रसूलल्लाह आइंदा मैं ख्याल करूंगा इस चीज का, मैं ध्यान रखूंगा। एक और वाकया है ऊंट के ऊपर ही है, अल्लाह के नबी बैठे हुए तो एक ऊंट भागता हुआ, सफेद चीरता हुआ सहाबा के ऊपर से भागता भागता अल्लाह के नबी के पास पहुंचा। कोई सहाबी उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, ऊंट आ गया कोई नीचे ना आ जाए। वो भागता भागता अल्लाह के नबी के पास पहुंचा, अल्लाह के नबी के कान में आके ना कुछ कहने लगे। इतनी देर में पीछे से मालिक भी आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह इसने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। उन्होंने आगे सारा देखा, कोई सहाबी तो नहीं नुकसान किसी को हुआ। तो अल्लाह के नबी से वो ऊंट बातें करने लग गया, अल्लाह के नबी ने उसकी चुप करके बातें सारी सुनी। जब सारी बातें सुनी तो उसके मालिक को कहा कि ये तुम्हारी शिकायतें लगा रहे हैं, हमारे छत पे परिंदे आते हैं, अगर कुछ भी नहीं वो खा के जाते तो वो भी रब को कहते होंगे या अल्लाह तू ये इंसान दिए हैं पर हमें कुछ नहीं डालते। हर किसी के छत पे चिड़िया कोई ना कोई चीज आती जरूर है, वो क्या कहती होगी कि हमें कुछ नहीं डालते। तो वो कहने लगा या रसूलल्लाह ऊंट की अल्लाह के नबी ने बातें सुनी, सारी बातें सुनी और मालिक से पूछा कि ये तुम्हारे बारे में बड़ा कुछ कह रहा है।
वो कह रहा है कि ये मुझसे बड़ा काम इन्होंने जवानी में लिया, मैंने इनके सारे काम किए, इन्होंने मुझे दिन रात मुझसे काम लिया, मैंने किए या रसूल अल्लाह। ऊंट कह रहा है या रसूल अल्लाह इन्होंने मुझसे नस्ल चलाई, मैंने इनको नस्ल भी दी, ऊंट बहुत ज्यादा दी है मैंने इनको, और या रसूल अल्लाह अब मैं बुरा हो गया हूँ। तो कहते हैं तुझे जिबा करके हमने खा जाना है, तो या रसूल अल्लाह मुझे बचा ले मौत से। तो देखे ना, इससे पता लगता है कि इंसान के अलावा जानवर भी डरते हैं मौत से, या रसूल अल्लाह मुझे बचा ले इनसे। तो लेकिन नबी ने उस आदमियों वो जो थे जिनका ऊंट था, तो कहने लगे ये ऊंट मुझे दे दो, ये ऊंट मुझे तोहफे में दे दो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप कुर्बान आपका हुआ। तो ऊंट ने जाते हुए तीन दुआएं दी, अल्लाह के नबी ने मुंह नीचे किया, कहा आमीन, फिर कहा आमीन, तीसरी बार कहा आमीन और रोने लग गए और ऊंट चला गया। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह इसने क्या कहा आपको? कहा इसने ये बात कही कि या रसूल अल्लाह आपका दीन आपका कुरान अल्लाह उसको बहुत ज्यादा रुतबा ऊंचा करे और आपका दीन फैलाए, बहुत ज्यादा फैलाए। मैंने कहा आमीन। दूसरी उसने मुझे ये दुआ दी, या रसूल अल्लाह जैसे आपने मेरा खौफ खत्म किया है, इसी तरह आपकी आने वाली उम्मत का क्यामत वाले दिन से भी खौफ खत्म करे। ये कैसे खत्म होगा जब हम नेक अमाल करेंगे? कैसे खत्म होगा जब कोई नेक काम करेंगे? और कहा या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत आपके मुसलमान आपस में लड़े मत। अल्लाह के नबी कहते हैं जब उसे ये तीसरी दुआ मांगी तो मैं आमीन बोल के रोने लग गया। आज हम देखें सब लड़ते हैं, सब लड़ते हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं लड़ता। तो मौजू चेंज हो जाएगा। बात है हमारी जानवरों के ऊपर कि जानवरों को जरूर कुछ डालें, कुछ ना कुछ डालें, जरूर डालें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता करे। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أجمعين.